खबर यूपी से है, जहां कुशीनगर के रामपुरा पट्टी के टोला बकुलहवा गांव में गेहूं के खेत में विलुप्त प्राय और संरक्षित गिद्ध पक्षी विचरण करते हुए मिला है, जिसके दोनों पंखों पर पीले रंग का टैग और गर्दन पर पेट के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगी हुई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है लखनऊ से अमरीश सिंह। जी अमरीश, क्या कुछ है पूरा मामला? एक पक्षी मिला है, टैग उसके ऊपर लगा हुआ है और लोग इसे गुप्तचरी का भी एक जरिया मान रहे हैं। आशीष, आज सुबह बिहार सीमा से सटे कुशीनगर जिले में एक गिद्ध पक्षी पाया गया। जी, गिद्ध लुप्त प्रजाति का पक्षी है और जब सुबह गांव वालों ने देखा तो गांव वाले थोड़े से डर सहम गए और तत्काल उन्होंने आपस में एक दूसरे को बुलाकर काफी भीड़ इकट्ठा कर ली। जी, मौके की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस के सिपाही वहां पर पहुंचे और उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। जी, वन विभाग के अधिकारी जब आए तो उन्होंने देखा कि जो जीपीएस चिप लगी हुई थी बिल्कुल पक्षी के, जी उस चिप को देखकर उन्होंने कहा कि ये लुप्त प्रजाति का गिद्ध है और जरूर हो सकता है किसी शोध के लिए भी इस पक्षी के को छोड़ा गया हो जी, और जो कि भटक कर यहाँ पर आके गिर पड़ा है जी, और जो कुछ लोगों ने ये भी संभावनाएं जताई थी पुलिस के जवानों ने कि ये चीन से आया है। इस पर भी वन अधिकारी का ये कहना था कि आगे की जांच जब एसपी सिटी और डीएम के पास जाएगी तो वो क्या निर्णय लेते हैं, जांच से इस पर पता चलेगा। शुरुआती उनका जो मानना है वो ये है कि ये जरूर संदिग्ध प्राणी है लेकिन उसको जाल बिछाकर काबू में कर लिया गया है जी, और किसी भी तरीके की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। पक्षी जरूर थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है जी, लेकिन मौके पर जिस तरीके की भीड़ है उस तरीके को देखकर एक छोटा सा पक्षी जरूर घबरा जाएगा, लेकिन वन अधिकारी का कहना है कि इस पक्षी से किसी भी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है और बाकी की अधिक जानकारी जैसे भी होती है वो जरूर आगे की बताई जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमरीश सिंह लखनऊ से, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार से एक पक्षी मिला है। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई, वन विभाग और प्रशासन फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल में जुटा है।